राम राम जी, आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में डाल लेना। लेडीज़ कार्डिगन का डिजाइन है ये, देखो कितना अच्छा लगेगा। एक डिजाइन ये 13 फंदे का बनेगा और 4 सिलाई का बनेगा। बॉर्डर बना के, अगर आपने इसी तरह का बॉर्डर बनाना है तो 4 सिलाई उतारो, 6 सिलाई उतारो, वो आपकी मर्ज़ी है, या 2 उतारो। वैसे तो 2 ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ये नीचे से 2 उतार के फंदे डाल के सीधी सिलाई वो भी उल्टी उतार लेना, और उल्टी सिलाई वो भी उल्टी उतार लेना। मैं 6 सिलाई उतार रही हूँ, तब डिजाइन शुरू किया था। अगर इस तरह 6 उतार के बनाओ तो इस तरह भी बना सकते हो आप। पहले हमें जो पहली सिलाई से शुरू किया था बॉर्डर के बाद, पहली सिलाई बना के दिखा रही हूँ मैं। पहले एक फंदा, ये कोने वाला है, इसको आप उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, स्लिप करो, किसी तरह भी बना लो, ये डिजाइन से अलग है हमारा फंदा। फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, ये जो सीधा फंदा बनाया ये फंदा डिजाइन का है। फिर अपनी तरफ धागा कर लेंगे, जाली बना देंगे यहाँ लपेट के। जाली बना ली और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। एक फंदा सीधा लपेट के जाली बना ली, फिर 4 फंदे उल्टे। पहले ये फंदा हमने बढ़ा लिया यहाँ जाली बना के, अब 3 फंदे का एक बना देंगे। यहाँ 2 फंदे कट गए हमारे, एक फंदा पहले बढ़ा लिया, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे इस कोने पे, एक फंदा डिजाइन के इस कोने पे बढ़ा लिया, एक फंदा डिजाइन के इस कोने पे बढ़ाएंगे। अब आगे 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे। फिर जाली बना देंगे। अब ये वाली जाली तो अपनी तरफ धागा करके हमने लपेट के बनाई थी, अब ये वाली जाली अगर आपने लपेट के बनानी है तो पीछे धागा करके ऐसे लपेट के बनाएंगे ये जाली। इस तरह बना लो जाली और एक फंदा सीधा। अब ये 13 फंदे हो गए हमारे, एक फंदा छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदे हो गए, 13 फंदे का एक डिजाइन है। अब आगे फिर हम दूसरा डिजाइन शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर जाली बना के 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 4 उल्टे, फिर 3 का एक, फिर 4 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 4 उल्टे, फिर जाली बना के एक फंदा सीधा। अब आगे अगला डिजाइन शुरू कर रहे हैं। एक फंदा सीधा, जैसे यहाँ कोने से शुरू किया था, एक फंदा सीधा अपनी तरफ धागा करके लपेट के जाली बना ली। ये वाली जाली अपनी तरफ धागा करके लपेट के बना रहे हैं, आगे जाली बनाएंगे तीसरी सिलाई में वो सीधी साइड करके बनाएंगे। अब उल्टे फंदे बना रहे हैं ये इस पहली सिलाई में, ये वाले 9 फंदे आगे बीच में ये उल्टे बना रहे हैं। अब ये अपनी तरफ धागा करके लपेट के जाली बना ली, ये फंदा हमने पहले बढ़ा लिया, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे, फिर 3 का एक, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4। अगर ये जाली आप पीछे धागा करके इस तरह लपेट के बनाना चाहो तो इस तरह लपेट लो, ये फंदा हमने सीधा बनाना है, या इस तरह बनाना चाहो इस तरह भी बना सको आप। यो जाली बनानी है या लपेट के बनाना चाहो, ये वाली जाली सीधा फंदे के साथ वाली डिजाइन के इस तरफ वाली, जैसे ये डिजाइन बन गया बीच में 3 घटाए हैं, इस तरफ वाली जाली हम सीधा फंदा पर डाल लेंगे। इस तरफ वाली जाली हम, ये तो हम सीधी साइड से भी डाल सकते हैं, ये हम अपनी साइड धागा करके पहली सिलाई में लपेट के बनाएंगे ये वाली जाली। कोने वाला फंदा उल्टा, दोनों साइड कोने पे एक एक फंदा रखा है डिजाइन से अलग, ये दोनों उल्टे बनाती है। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बना देंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी कोटी में इस तरह उल्टी उतरेंगी सारी। बस सीधी सीधी सिलाई में डिजाइन डलेगा, ये उल्टी सिलाई तो सारी उल्टी उतरेंगी। अब ये दूसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई है।
अब आ गई तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमने थोड़ा सा पलटना डिजाइन बनाएंगे, इसी तरह कोने वाला फंदा उल्टा बना दिया, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा। अब सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहली सिलाई में हमने उल्टे बनाए थे 9 फंदे बीच वाले, अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। फिर अपनी तरफ धागा करके जो 3 फंदे का एक करना था वो फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाने हैं, उल्टे का 3 का एक कर देंगे, 3 का एक कर दिया। फिर पीछे धागा करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। फिर अपनी तरफ धागा करके ऐसे जाली बना दी, इस तरह जाली बनाओ, इस तरह बना लो, अगर लपेट के बनाओ यही जाली, देखो आप ऐसे भी बना सकते हो। इस फंदे पर हमने जाली डालनी है, ऐसे लपेट के यूँ जाली बना दी, इस तरह बनेगी ये, एक डिजाइन हो गया ये। फिर आगे अगला डिजाइन फिर शुरू, एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके ये जाली अगर ऐसे बनाओ तो ऐसे बना लो, नहीं तो फिर ऐसे लपेट के बना लो, लपेट के जाली बना दी। फिर एक फंदे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। फिर अपनी तरफ धागा करके 3 का एक, फिर पीछे धागा करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ जाली बनानी है, अगर यूँ लपेट के बनाओ यूँ बना लो, फिर ये फंदा सीधा बना लिया। अगर ये जाली अपनी तरफ धागा करके यूँ बना लो, कोने वाला फंदा सीधा। अब आ गई उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई। अब उल्टी सिलाई में भी हमें सारे फंदे सीधे बना देंगे। अब ये 4 सिलाई का डिजाइन बनेगा, यही 4 सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन बनाएगा। फिर पहली सिलाई से फिर शुरू कर लेंगे, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो ऐसे बनेगा ये डिजाइन, और डलाया भी बहुत सुंदर लगेगा कोटी में, देखो किस तरह लग रहा है। अब एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ। पहले कोने वाला फंदा हमें उल्टा उतार देंगे, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके लपेट के जाली बना लेंगे। ये वाली पहली सिलाई है, ये उल्टे फंदे बनाएंगे पहली सिलाई में, तब तो हम ऐसे लपेट के बना लेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, फिर 3 का एक, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके ऐसे लपेट के एक फंदा सीधा। एक जाली इस तरफ बना ली, एक जाली इस तरफ बना ली, बीच में 3 का एक कर दिया, दोनों कोने पे बढ़ा दिए फंदे डिजाइन के, बीच में घटा दिए, जितने फंदे थे हमारे इतने फंदे पूरे हो गए। अगर ये जाली हम नहीं बनाएंगे तो हमारे फंदे कम होंगे, ये भी बनाएंगे कोने से एक जाली शुरू करेंगे, बीच में सारी जगह दो दो आएंगी, दोनों कोने पे एक एक जाली रखेंगे। अगर दोनों कोने पे दो जाली रख ली तो फंदे हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे, दोनों कोने पे एक एक रखेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना के ये दो फंदे आ गए, यहाँ एक फंदा इस डिजाइन का है, एक फंदा इस डिजाइन का है, एक जाली बना के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 3 का एक, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर जाली बना के एक फंदा सीधा, फिर कोने वाला फंदा उल्टा।
अब देखो यहाँ सीधा फंदा भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, कोने पे जाली एक आ गई, इस तरफ भी एक आ गई, यहाँ बीच में दो फंदे सीधे हो गए, एक इस डिजाइन का है एक इस डिजाइन का है। अब उल्टी सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब तीसरी सिलाई आ गई, सीधी सिलाई आ गई। अब तीसरी सिलाई में फिर कोने वाला फंदा उल्टा, अब सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके ये जाली ऐसे बना लेंगे, जाली बना के चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन का एक, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर जाली बना के एक फंदा सीधा। अब ये तेरह फंदे हो गए। अब तीसरी सिलाई में ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहली सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बनाए थे, पहले में ये उल्टे इसलिए बनाए थे, ये देखो डिजाइन दिखाई दे रहा है ये उल्टे फंदे का, पहले में ये उल्टे बना दिए, फिर तीसरी में ये सीधे बना दिए, उल्टी सिलाई हमारी दूसरी सीधी उल्टी उतार दी थी। फिर अगला डिजाइन शुरू, एक फंदा सीधा, फिर जाली बना के चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। अब तीसरी सिलाई में अगर आपने लपेट के जाली बनानी, लपेट के भी बना सकते हो आप, अगर अपनी तरफ धागा करके बनानी है तो इस तरह भी बना सकते हो, जाली किसी तरह बना लो, लपेट के बना लो या इस तरह बना लो। फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर जाली बना के एक फंदा सीधा और कोने वाला फंदा उल्टा। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे। अब यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।